वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गर्ल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं विड आई क्यू की। विड आई क्यू क्या है, किस तरीके से हमारे चैनल और यूट्यूब में क्या रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, विड आई क्यू इज़ अ टूल जो हमारे चैनल और हमारी वीडियो को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत यूज़फुल टूल है जो हमारे चैनल पे हमारी व्यूज़ को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके पेज पे ही यहाँ पे लिखा है कि ये डिज़ाइन किया गया है आपकी यूट्यूब व्यूज़ को बूस्ट करने के लिए। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको जल्दी से गूगल पे जाके इसको, इसकी एक्सटेंशन को जो है वो आप इंस्टॉल कर लें और अपने क्रोम के साथ इसको लिंक कर लें। सबसे पहले गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आपको लिखना है गूगल वेब स्टोर। गूगल वेब स्टोर इट्स लाइक आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है, वहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे आप अपने क्रोम के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए यहाँ से एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करते हैं जो आपके क्रोम के साथ यूज़ की जाती है। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल वेब स्टोर पे विड आई क्यू, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपने कर देना है ऐड टू क्रोम, ऐड टू एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये डाउनलोड हो चुकी है। आपको कर देना है उस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद वो आपको उसके पेज पे ले जाएगा, विड आई क्यू के पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि विड आई क्यू सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको विड आई क्यू लेके आना है, पिन करना है। पिन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। साथ ही यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी एक्सटेंशन आपने डाउनलोड की होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने इस पे सेटिंग पे जाके इसको कर देना है पिन। पिन करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगी, उसके बाद आपने कर देना है इसके अंदर साइन इन। साइन इन गूगल से करना है और उसी गूगल से करना है जिस पे आपका यूट्यूब अकाउंट है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम अपनी वीडियो पे आगे चलें। यहाँ पे हमारा हो चुका है इंस्टॉल। अब आपने इस पे चेक करना है कि ये हमारी वीडियोस पे किस तरीके से वर्क करेगा, तो वो किस तरीके से हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक वीडियो। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा टाइटल है, टाइटल पे वो हमारी हेल्प कर रहा है। अगर हमारा टाइटल स्ट्रॉन्ग है तो इट्स ओके, नहीं तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप ये टाइटल ले लें। और अगर इसको अपग्रेड करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर देता है। तो चलें अब आगे, थंबनेल की बात आ जाती है। थंबनेल अगर आपने नहीं बनाया तो वो यहाँ से आपको रिकमेंड कर देगा। इसके बाद कंपेयर करते हैं हम, यहाँ पर कंपेयर भी आप कर सकते हैं दूसरे चैनल के साथ जिन्होंने सेम एज इट इज़ वीडियो बनाई है। अब मेरी वीडियो जिस पे है मैं यहाँ पे उसको सर्च कर लेती हूँ, सर्च करके एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखती हूँ कि काफ़ी वीडियो सेम वही टाइटल्स हैं, तो उनकी कितनी व्यूज़ में जा रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इन वीडियोस के सारे टाइटल्स टैग डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकती हूँ विड आई क्यू के थ्रू। तो यहाँ पे कंपटीशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए मेन काम टैग का। टैग में आपकी बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले तो वो आपको कीवर्ड्स ऐसे ढूंढ के देगा जो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो आपको यहाँ पे बताता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है और इसका कंपटीशन कितना है। तो आपको वही टाइटल पे, वही टैग्स में आपने यूज़ करना है जिसका सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा हो लेकिन यहाँ पे उसका कंपटीशन थोड़ा कम हो। कंपटीशन अगर कम होगा वो वाले आप टैग्स यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि वीडियो ग्रो करे, क्योंकि आपने वो टैग्स चूज़ किए हैं जो सर्च तो ज़्यादा किए जा रहे हैं लेकिन उन पे वीडियोस बहुत कम बनाई जा रही हैं। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियो उसमें आए और आपका चैनल ग्रो कर जाए और आपकी किस्मत खुल जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में, टैग में। टैग मेन होते हैं तो टैग में आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, आपको वो ढूंढ के देगा जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कंपटीशन लो होगा। आपने हाई वाले कंपटीशन वाले टैग्स यूज़ नहीं करने, लो वाले यूज़ करने हैं। तो अब आगे जहाँ जहाँ यहाँ पे कमी फील होगी आपके चैनल में, आपके यूट्यूब वीडियो में जहाँ जहाँ कमी फील होगी वहाँ पे ये आपको रिकमेंड करेगा कि इस चीज़ को भी आप फुल कर लें। अब मैं साइड पे आती हूँ तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक चीज़ है, यहाँ पे वीडियो का CEO है। तो वीडियो का CEO वो आपको खुद करके बता रहा है, खुद बता रहा है कि आपकी वीडियो का CEO कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें बता रहा है कि ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए तभी आपका CEO स्ट्रॉन्ग होगा।
तो यहाँ पे आपकी जो जो कमी है उस चीज़ को आपने फुल कर लेना है। लाइक आपके टैग में है, आपके कीवर्ड्स में है, कीवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते होते हैं, कीवर्ड्स को भी ज़्यादा यूज़ किए जाए, डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी और टैग में भी कीवर्ड्स को लास्ट में यूज़ किया करें, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब आगे चेकलिस्ट में यहाँ पे बताते हैं कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है और ये चीज़ अनकंप्लीट है, इनको भी कंप्लीट कर लें तो सीईओ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको दूसरों से सीईओ अपनी वीडियो की, अपने चैनल की करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सीईओ खुद यहाँ से वीडाईक्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया है कि हमारे चैनल पे ये चीज़ें अब कर रहा है। एक और चीज़ हमारी जो हेल्प कर रहा है वो ये है कि अब लाइक मेरी कोई वीडियो है ट्यूब बड़ी पे है, मैंने एक वीडियो ट्यूब बड़ी पे बनाई है, अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि अगर लाइक मेरे चैनल के टैग और डिस्क्रिप्शन वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं चेक करूँगी यार जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में चल रहा है तो मैं उसकी चीज़ों को कॉपी कर लूँ। तो यहाँ पे जितने ट्यूब बड़ी की वीडियोस बनाई हुई हैं तो उनमें से जिसका जो व्यूज़ ज़्यादा है, जो टॉप पे है, मिलियंस पे है, मैं उसको ले लूँगी, उसके मैं डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लूँगी, टाइटल को भी कॉपी कर लूँगी और उसके टैग्स को भी कॉपी कर लूँगी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें कॉपी कर सकते हैं। अब इसका सीईओ देखते हैं, तो इसका सीईओ बहुत अच्छा है, इसका थंबनेल भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका नीचे देखते जाएं तो आपको उसकी वीडियो की सारी हिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी सारा कुछ निकाल के आपके सामने रख देगा कि इसका सीईओ कितना है, इसने क्या चीज़ यूज़ की हुई है, इसके चैनल के टैग्स क्या हैं, सारे टैग्स और सीईओ सामने आपके ला के रख देगा। तो आप उसको बस कॉपी करना है और उसको अपनी वीडियोस पे लाना है ताकि जो सर्चेस करके यहाँ पे उसके चैनल पे लोग आए हैं वही सर्चेस करके आपके चैनल पे ट्रैफिक आए। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर ली हैं, क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हुई हैं, इसका टैग जो है बहुत शॉर्ट्स इसने यूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसने कंप्लीट कर ली हैं और काफ़ी अनकंप्लीट है। तो आपको कोशिश करनी है आप इन्हें इन सारी चीज़ों को भी कंप्लीट करना है। अब नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे इसके मेन जो है वो टैग्स हैं, वीडियो के टैग्स, यहाँ पे ये जो टैग्स हैं आपने कर लेने कॉपी, कॉपी करके इसको अपनी वीडियो के टैग्स में यूज़ कर लेना है, अपनी वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में इसको यूज़ कर लेना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर जो भी आप मिलियंस में लेते हैं, जो काफ़ी हाई में होती हैं वीडियोस, उनके टैग्स वगैरह लेते हैं और उनको अपनी वीडियो में करते हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि उस वीडियो के बराबर आप पहुंच जाएं, क्योंकि आपकी सेम चीज़ यूज़ हो रही है, सेम वीडियो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से वीडाईक्यू के थ्रू जो है आप टॉप मिलियंस की जो वीडियोज़ हैं उनके टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कॉपी करके आप अपनी वीडियोस पे पोस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो ट्रैफिक उनकी सर्च करके उनकी वीडियोज़ पर आ रही है वही सर्च करके आपकी वीडियो उसी सर्चेस में आएगी। तो ये वीडाईक्यू ने तो आपके चैनल को बहुत कवर कर दिया, आपकी वीडियोज़ को बहुत कवर कर दिया और ग्रो करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर दी है। तो आपको भी क्या करना है, इस वीडाईक्यू के एक्सटेंशन को यूज़ करना है। आप चाहें तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्रोम के साथ भी लिंक करके, साइन इन करके गूगल के साथ, उसी गूगल के साथ जिस पे आपका चैनल बना है, साइन इन करके उसको यूज़ करके आप अपनी वीडियो की जो कमियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपके लिए, आपके चैनल के लिए, आपकी वीडियो के लिए काम आई हो, यूज़फुल हुई हो, तो आपको क्या कर देना है, इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइमली पहुंचती जाएं और यूज़फुल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो से कहीं रह ना जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, स्टे ट्यून्ड।